ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से शादी कर लेता है। अब आगे इन दोनों के बीच क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लोलिता, जो 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हम्बर्ट था। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था और उसके फेस पर खून लगा था। हम्बर्ट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हो। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देखते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तब उसे स्कूल में एनाबेल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और एनाबेल भी उसे प्यार करती थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन किसी बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है और एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती और वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा था। इसके काफ़ी समय बीतने के बाद हम हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में देखते हैं। हम्बर्ट एक स्कूल का प्रोफेसर बन गया था और उसे एक नॉवेल लिखनी थी, इसलिए वो समर की छुट्टियों में अपने अंकल के घर आता है। पर किसी रीजन की वजह से उसके अंकल के घर में आग लग जाती है, इसलिए हम्बर्ट के अंकल उसे अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हेज था। हेज को हम्बर्ट पहली नज़र में काफ़ी अच्छा लगता है। वो उसे उसका कमरा दिखाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो कमरा ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा था और मिस हेज भी बिना वजह उसके करीब आ रही थी, जो हम्बर्ट को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हेज हम्बर्ट को गार्डन में ले जाती है जहाँ हम्बर्ट की नज़र हेज की बेटी लोलिता पर पड़ती है। लोलिता को देखकर हम्बर्ट के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और वो बिल्कुल एना की तरह ही दिख रही थी। जब लोलिता हम्बर्ट से नज़र मिलाती है तब हम्बर्ट उस घर में रहने का फैसला करता है जहां वो अपनी नॉवेल लिखने लगता है और साथ ही वो लोलिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। लोलिता में उसे एना नज़र आती थी, यही वजह थी कि उसे लोलिता से प्यार हुआ था। दूसरी तरफ लोलिता भी हम्बर्ट से अट्रैक्ट हो रही थी। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके कमरे में आके उसके साथ मस्ती करती है। हम्बर्ट को यह सब बहुत अच्छा लगता था, तो वहीं मिसेस भी हम्बर्ट को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हेस हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है जहां वो बताती है कि लोलिता समर कैंप जाने वाली है और इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। यह सुनकर हम्बर्ट को टेंशन होने लगती है क्योंकि वो लोलिता के लिए ही तो इस घर में रुका था। अगले दिन जब लोलिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है तब पहले तो वो बहुत नखरे करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है। अगली सुबह हम्बर्ट देर से उठता है, जब वो खिड़की से देखता है तो लोलिता जा रही थी। लोलिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर हम्बर्ट के पास दौड़ी चली जाती है। वो उसे हग करती है और बाद में उसे किस करती है और इसके बाद वो चली जाती है। लोलिता के चले जाने के बाद हेस हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने उसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था। हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के करीब रहकर उसे हासिल करने का। वो हेस से शादी कर लेता है। शादी के बाद हेस हम्बर्ट के साथ खपागप करना चाहती थी, लेकिन हम्बर्ट हर बार उसे किसी न किसी बहाने से बच जाता था और उसके खाने में नींद की गोलियां देता था। उसे बस लोलिता का इंतजार था कि कब वो वापस आए। हेस को हम्बर्ट और लोलिता के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन जब हम्बर्ट बाहर था तब हेस उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र लोलिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तब हेस उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे सारे रिश्ते तोड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हेस की मौत पर उसे थोड़ा दुख जरूर हुआ था, पर एक तरफ से उसका रास्ता अब साफ हो गया था। वो लोलिता को लेने समर कैंप जाता है जहाँ वो लोलिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब लोलिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है। हम्बर्ट कहता है कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ बातों बातों में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ लोलिता की मुलाकात क्लियर नाम के एक आदमी से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता है कि वो कोई जासूस है जो उसकी वाइफ की तहकीकात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ वो दोनों खपागप करते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ लोलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुनकर लोलिता को बहुत दुख होता है
रात को वो बहुत रोने लगती है, तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं और मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आकर हम्बर्ट जॉब करने लगता है और लोलिता को भी स्कूल ज्वाइन करवाता है। एक दिन लोलिता उसे डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर डांस के बहाने लोलिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। पर यहाँ लोलिता उसे मना लेती है। इसके अगले दिन बाद हम्बर्ट को लोलिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर हम्बर्ट से कहती है कि दो दिन से लोलिता क्लास के लिए नहीं आई है। हम्बर्ट को लोलिता पर शक होता है और वो उसके सामने उसके दोस्तों से पूछता है कि क्या लोलिता तुम्हारे साथ थी। इस पर लोलिता को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। जहाँ वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाता है। तब लोलिता फोन पर किसी से बात कर रही थी। हम्बर्ट को देखकर वो फोन काट देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हम्बर्ट लोलिता को उस कार का नंबर नोट करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो लोलिता के पैरों में कीचड़ और उसकी लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने लोलिता को पेल दिया है, इसलिए वो भी लोलिता के साथ जबरदस्ती खपागप करता है। इसके बाद लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर हम्बर्ट को घर जाने को कहता है। अगली सुबह हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो लोलिता की तबीयत के बारे में जान सके, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती है कि लोलिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गए। इसके बाद हम्बर्ट पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी लोलिता उसे कहीं नहीं मिलती। अब हम्बर्ट बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम्बर्ट को एक लोलिता का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे अभी थोड़े पैसों की जरूरत है। इसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेके लोलिता के पास जाता है। लोलिता उसे बताती है कि वो क्लियर था जिसके साथ मैं भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहां हम्बर्ट लोलिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लोलिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मेरे साथ गपागप करते रहे। ये बात हम्बर्ट को बहुत बुरी लगती है। वो लोलिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाके वो उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब हम्बर्ट ने क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। पर हम्बर्ट को इस बात का कोई डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उसे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है। और इसके अगले महीने लोलिता भी अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।